जा रहे हैं रुद्र संहिता प्रथम खंड की ये कथा शिव पुराण के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे। एक बार नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मन में बड़े फूले न समाते और अपने पिता ब्रह्मदेव के यहाँ पर जाकर प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी मैंने आज कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीतने वाला या तो भगवान भोलेनाथ है या फिर दूसरा मैं हूं। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर कहते हैं कि हे नारद, तुमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन ये बात कभी भगवान भोलेनाथ को मत कहना। नारद जी जाकर वही बात भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि हे नारद जी, तुम देवर्षि हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन जो बात तुमने मुझसे कही है वो भगवान विष्णु को कभी नहीं कहना। नारद जी मद में चूर भगवान विष्णु जी को भी सारी बात बता देते हैं। तब देखिए भगवान विष्णु जी क्या माया रचते हैं नारद के मोह को तोड़ने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए। एक सुंदर नगर का निर्माण किया जाता है जहां का राजा शील निधि है, जिसकी कन्या का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी जैसे ही उस नगर के समीप से गुजरे, देखा ये कौन सा नगर है, बड़े सुंदर लोग हैं। पता किया, लोगों ने बताया राजा शील निधि की नगरी है। कल उनकी सुपुत्री श्रीमती का स्वयंवर है, जिसको रामायण में विश्व मोहनी कहा गया है। तब देखिए नारद जी उत्सुकता बस राजा शील निधि से मिलते हैं। राजा शील निधि सुंदर आसन देकर नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो सर्व ज्ञाता हो, मेरी पुत्री का कल स्वयंवर है, तो उसके भाग में क्या है ये उसका भागफल मुझे कहिए। देखिए क्या हुआ, बुलाते हैं। नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा मोहित हो गए कि ये कन्या तो केवल मेरे योग्य ही है। मन में विचार करने लगे तो राजा शील निधि ने कहा, हे देवर्षि, हे नारद जी, मेरी कन्या के भाग में क्या है ये बताइए। देखिए क्या हुआ, क्या कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी। ओ नारद जी मेरी कन्या का क्या कहा, क्या? नारद जी मेरी कन्या का भाई
हर नारद जी मेरी कन्या का पैसे बिल्कुल मत दो लेकिन ताली बजाओ। नारद जी मैं कन्या का हो, नारद जी मेरी कन्या, नारद जी मेरी कन्या का हो। नारद जी ने जैसे ही श्रीमती को देखा अपने होश भूल गए, मन में विचार करने लगे ये कन्या केवल मेरे लायक है, और देखिए क्या कहने लगे। क्या रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा, गमर भट्टी जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान, भगवान आपके सारे मनोरथपूर्ण करें। क्या कहा क्या? नारद जी विचार करने लगे, हो रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा पर, ओ हर सिद्ध मुनि मन के नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का। ओ नारद जी तत्काल वहां से चले, ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे ये कन्या मुझे वरण कर ले, स्वयंवर में मेरे गले में जय माल डाल दे। नारद जी को याद आया कि भगवान विष्णु जी मेरी सहायता कर सकते हैं, और देखिए तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं। भगवान मैं बड़ी दुविधा में हूं, तो मुझे केवल आप ही मेरे सहायक हो सकते हैं, मुझे केवल आपका हरी सा रूप चाहिए, हरि यानी बानर और हरि यानी भगवान विष्णु। तो देखिए भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर बना दिया। देखिए क्या हुआ आज नारद जी भगवान विष्णु के सामने जाकर कहने लगे, मेरे मन में एक लालसा है। क्या क्या? ओ जिसे देख मेरा मन भटका, ओ मन चाहे गृहस्थी है, मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन जीने की लालसा है। हाँ। ओ जिसे देख मेरा मन भटका, मन चाहे गृहस्थी है, केवल एक उपकार कीजिए हे प्रभु, ओ मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है, हरि सेवक के एक अर्जी है, मन चाहे गृहस्थी है।
मुझे दीजिए। क्या कहने लगे? परम आदरणीय श्री रमेश जी ध्रुवे आमा गोहान 21 रुपए का आशीर्वाद, श्री मनोज जी भल्लावी सरपंच साहब जाखनी 51 रुपए का आशीर्वाद, श्री हरिराम जी पनराम रामपुर माल, रामपुर माल 51 रुपए का आशीर्वाद, श्री दीपक जी सरियाम धाना 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देखिए क्या हुआ, आज कहने लगे क्या? अरे हे नाथ मुझ पे कृपा करो, जिसमें हो जैसा मेरा भला कर दो दयालु युक्ति वही, जिसमें हो जैसा मेरा भला कर दो दयालु युक्ति वही, जिसमें हो जैसा मेरा भला कर दो दयालु युक्ति वही। क्या कहने विनोद भाई और चिरमू कुमरे आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। देखिए क्या हुआ, भाई साहब से निवेदन है कि कृपया मंच पर गमर भट्टी आमा गोहान आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान, भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। क्या कहा, मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है, हरि सेवक के एक अर्जी है, हरि सेवक के एक अर्जी है, हो हरि सेवक की एक अर्जी है। अब नारद जी बंदर बन के देखिए उस सभा में चले जहां पर श्रीमती का स्वयंवर होने वाला है। कोई भी नहीं पहचान सका कि ये नारद जी का क्या रूप है। भगवान भोलेनाथ के दो गण पहले से ही वहां बैठे हुए थे, वो सब भेद जानते थे। नारद जी को सुना सुना कर देखिए, नारद जी की हंसी उड़ाते हैं, आपस में बात करते हैं कि कितना सुंदर रूप है। जब भी राजकुमारी इस स्वयंवर में आएगी ये जय माला इनके ही गले में डलेगी। देखिए नारद जी को क्या कहने लगे, क्या नारद जी को सुना सुना कर भगवान शंकर के वो गण क्या बात करते हैं। क्या तो क्या खूब जचते हो, वो बड़े सुंदर दिखते हो, ये हो। लाइट कितनी देर में जाएगी भैया? इकहत्तर रुपए परम आदरणीय हेमराज जी विश्वकर्मा साहब खदारा, अर्जुन सिंह जी विश्वकर्मा साहब खोकरा, अरविंद सिंह जी खंडेलवाल साहब खदारा आपकी ओर से प्रदान हुए, भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। भैया टेंट सर्विस वाले भैया से निवेदन है कृपया मंच पर प्रकाश की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था बनाएं शीघ्र। साथियों तीनों ग्राम पंचायतों के अथक प्रयास और योगदान से ये विशाल रामचंद्र भजन प्रतियोगिता का यहाँ पर जो आयोजन संचालित है, इसमें जिन भी हमारे दानदाताओं ने